बिसमीम असल स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर टू थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर वन में हम लोगों ने क्वाडेटिक्वेजन्स को के बारे में पढ़ा था उनको सॉल्व कैसे करते हैं वहाँ से हमारे पास आ, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन बाई कम्प्लीटिंग स्क्वायर मैथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं इस चैप्टर में हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्स की जो वैल्यूज आती हैं, उसे हम चाहे फैक्टराइजेशन से करें कंप्लीटिक स्क्वायर से करें या हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके करें एक्स की जो वैल्यूज आती हैं, दे आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमें उनकी नेचर के बारे में बताना है कि वो जो वैल्यूज़ आती हैं वो रैशनल हैं इैशनल हैं इक्वल हैं अन हैं या वो इमेजनरी हैं उन रूट्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो ये एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और ये हमें नेचर ऑफ द रूट के बारे में बताता है जो क्वाडेटिक इक्वेशन है उसकी हमारे पास दो रूट्स आती हैं माइनस बी प्लस स्क्र रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेचर टोटली इसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है कैसे वो हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर वन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर हमें टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाडेटिकवेजन हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करने को कहा जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप कैसे करेंगे जैसे दो एग्जांपल्स गिवन हैं फर्स्ट है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और आप स्टेटमेंट को देखें उन्होंने सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को कहा है टू एक्सक्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू जीरो में हमारे पास ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू वन है डिस्क्रिमिनेंट इज और सॉल्व करने के बाद मेरे फोर्टी वन आ गया और सेकंड एग्जाम्पल को भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया है यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है दिस इज माइनस थ्री नेचर ऑफ रूट के बारे में कैसे पता चलेगा हमें डिस्क्रिमिनेंट से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सोल्व किया आगे हम नेचर के बारे में जानते हैं द रूट्स ऑफ कॉर्डेटिक्वेजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों क्योंकि इसमें ए जो है वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उससे वो एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी पर चला जाएगा ठीक है और इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर्स फर्स्ट केस हमारे पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने फाइंड आउट किया जैसे यहां पर आपने फाइंड आउट किया आपके पास उसकी वैल्यू आती है जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है एंड इज परफेक्ट स्क्वायर और कोई परफेक्ट स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव है सिक्सटीन है आपके पास फोर्टी नाइन है वन फोर्टी फोर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ठीक है देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनईक्वल यानी रियल में आपके पास वो रैशनल नंबर्स होंगे और क्या होंगे अनईक्वल होंगे अनईक्वल क्यों होते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है तो एक पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व करने के बाद और एक नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव के साथ सॉल्व uh, करने के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे एंड दे विल बी अनईक्वल ठीक है सेकेंड केस है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे इस केस में आप देखें आपके पास फोर्टी वन जो आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ग्रेटर देन जीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते स्क्वायर रूट क्यों आएगा क्योंकि इस फॉर्मूले में ये इसकी वैल्यू आई है फोर्टी वन ठीक है तो आपके पास क्या है द रूट्स आर इैशनल रूट्स आपके पास इर हो जाएंगी एंड स्टिल अनईक्वल ठीक है थर्ड है इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो अगर मेरे पास बी स्क्र डिस्क्रिमिनेट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो आ जाए इट मीन दैट कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये वाला ये जीरो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर रूट आप लेंगे वो भी जीरो हो होगा आंसर आपके पास आएगा माइनस बी ओवर टू ए ठीक है तो x की दो वैल्यूज दोनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी माइनस बी ओवर टू ए सो द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल ठीक है। थर्ड फोर्थ पार्ट हमारे पास है। 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 जैसे इस example में आपके पास discriminant negative आया इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है अनइक्वल है जो अन इक्वल आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ठीक है लेस देन जीरो केस में ये होता है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाए चाहे वो फिर स्क्वायर uh, हो ना या स्क्वायर ना हो तो उससे क्या होगा कि वो आपके पास आयोटा की फॉर्म में आ जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आयोटा ठीक है तो आपके पास ये इमेजिनरी हो जाएगा सेकेंड मैं यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू है जिसमें हमें नेचर ऑफ़ रूट के बारे में बताना है नेचर ऑफ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है रिजल्ट्स को बाय सॉल्विंग द इक्वेशन चार एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इसमें मैं आपको uh, दो एग्ज़ाम्पल्स करवाऊंगी और फिर हम uh,

क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे उसमें सारी वैल्यूज पुट की और पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है दिस इज फाइव प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय टू अब देखिए स्क्वायर रूट फाइव को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये इरेशनल आपको एक्सप्रेशन देना अनईक्वल क्यों है क्योंकि एक आपके पास आएगा फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ओवर टू और एक वैल्यू आएगी फाइव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ओवर टू ठीक है सेकेंड बी एग्जाम्पल देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है माइनस सेवन दिस इज लेस देन जीरो नेगेटिव है तो आपके पास जो रूट्स होंगे दे विल बी इमेजिनरी एंड अनईक्वल ठीक है इसको वेरीफाई करते हैं यहां पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद मेरे पास आ रहा है वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन ओवर फोर ठीक है अब इसे हम यू भी लिख सकते हैं वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन और जो माइनस साइन है माइनस वन का स्क्वायर रूट उसकी जगह हम लोग आयोटा यूज कर लेते हैं ठीक है तो यह आ जाएगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर फोर द रूट्स आर इमेजनरी एंड एंड अन इक्वल या पीछे हम लोगों ने कहा था कि दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है एक मेरे पास आ रहा है वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन आयोटा ओवर फोर और एक आ रहा है वन माइनस क्वायर रूट ऑफ सेवन आयोटा ओवर फोर ठीक है इसी तरह इसकी एग्जाम्पल सी जो है और डी ये भी सॉल्व की हुई है ये आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा ये आपकी एक्टिविटी है आ, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ, नेचर ऑफ रूट यूज़ करते हुए या, यानी आपको नेचर ऑफ़ रूट गिवन होगी और उसको यूज़ करते हुए आप किसी अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये एग्जाम्पल आपके पास सॉल्व मौजूद है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ठीक है एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर वन है दैट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर वन और इसकी हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है चार पार्ट गिवन है मैं एक पार्ट करवाऊंगी रिमेनिंग थ्री पार्ट्स आपने खुद करने हैं ठीक है ठीके? और आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है यहां आप देखें आपके पास पार्ट वन है टू एक्स स्क्वायेर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो ए की वैल्यू टू है बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू माइनस वन डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है सेवनटीन इसी तरह इस इन्हीं स्टेप्स पे आपने इसके रिमेनिंग थ्री पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर टू इज क्वेश्चन नंबर टू की भी फोर पार्ट्स हैं और उसमें आपको वो ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस इससे रिलेटेड भी हमने अभी पीछे एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है एक पार्ट मैं करवाऊंगी रिमेनिंग थ्री आपने खुद करने हैं पार्ट वन है एक्सक्वाइनस ट्वेंटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है वन बी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी थ्री और सी की वैल्यू है वन ट्वेंटी डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है फोर्टी नाइन अब देखें डिस्क्रिमिनेट मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है फोर्टी नाइन इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेवन इसलिए हमारे पास जो रूट्स हैं दे आर रैशनल एंड अनइक्वल वेरिफिकेशन हम इसकी करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां पर हमने लिखा इसमें वैल्यूज पुट कर कर दी 49 का स्क्वायर रूट मेरे पास 7 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की एक वैल्यू आ रही है 15 और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 द रूट्स आर अनइक्वल यानी एक फिफ्टीन है और एक एट है एन दे आर रैशनल फिफ्टीन और एट दोनों रैशनल नंबर हैं ठीक है रिमेनिंग पार्ट आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आए क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू इन के प्लस वन एक्स प्लस फोर इज परफेक्ट स्क्वायर ये हमारे पास के की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा हम फाइंड आउट करते हैं यहां पर आप देखें आपके पास के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के प्लस वन एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो ए की वैल्यू है के स्क्वायर बी की वैल्यू टू इंटू के प्लस वन और सी की वैल्यू फोर है डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास चूंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेंगे जीरो लेंगे आ, इसको सॉल्व करने के बाद बी ए और सी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या है टू का स्क्वायर फोर के प्लस वन के प्लस वन होल स्क्वायर को हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के मुताबिक हमने इस एक्सप्रेशन को ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया माइनस सिक्सटीन के स्क्वायर एज इट इज नीचे आया फोर को अंदर इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया और नेक्स्ट स्टेप में इसलिए स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन और भीवल टू जीरो मिड टर्म ब्रेकिंग से यूनिट नंबर वन में आपने मिड टर्म ब्रेकिंग भी सीखी है मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद हमारे पास इस एक्सप्रेशन के दो लीनियर फैक्टर्स आ गए थ्री के प्लस वन इंटू के माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो एक फैक्टर को हम इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो के की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई थ्री और दूसरे फैक्टर को इक्वल्स टू जीरो करें तो के की वैल्यू आती है वन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगवेजन आर इक्वल ठीक है हमें के uh, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगवन आर इक्वल और आपको कंडीशन दी हुई है कि रूट्स जो है वो क्या है इक्वल तीन पार्ट्स हैं एक पार्ट मैं करूंगी और रिमेनिंग दो पार्ट आपने खुद कर देंगे ठीक है इसका पार्ट वन है हमारे पास टू के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ए uh, की वैल्यू है टू के माइनस वन बी की वैल्यू है थ्री के और सी की वैल्यू है थ्री डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में जो है वो ये कंडीशन दी हुई है दैट द रूट्स आर इक्वल तो रूट्स हमारे पास इक्वल उस केस में है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो होता है ठीक है डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्ल्स टू जीरो दिस इज थ्री के होल स्क्वायर माइनस फोर ए और सी की वैल्यू पुट कर दी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास नाइन के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो आ रहा है इस एक्सप्रेशन इस में से हम लोगों ने थ्री कॉमन ले लिया और दोनों साइड्स को थ्री से डिवाइड कर दें तो हमें थ्री के स्क्वायर माइनस एट के प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं इसके वन इज के माइनस टू इन अदर इज थ्री थ्री के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करें तो के की वैल्यू टू और यहां से मेरे पास के की वैल्यू जो है वो आ रही है टू बाई थ्री ठीक है रिमेनिंग इसके पार्ट पार्ट टू और पार्ट uh, थ्री जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं सेम इन स्टेप्स पर क्वेश्चन नंबर फाइव इज शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन टू वन प्लस m squared हम क्या करेंगे इक्वल रूट्स यहाँ पर भी आपको इक्वल रूट्स के बारे में बताया हुआ है इक्वल रूट्स हमारे पास उसकी तब होंगी जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो होगा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है जो इक्वेजन uh, हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस ही होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ हमने इस पे इस एक्सप्रेशन पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी की फॉर्म में ओपन किया ये एक्सक्वायर एज डिजायर है दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो एक्स स्क्वायर

Uh, की जो टर्म्स हैं उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ये वन प्लस एम स्क्वायर आ गया जो एक्स वाली टर्म है वो मेरे पास वहां से मैंने टू एम सी ये इसको इस तरह से लिख दिया प्लस सी स्क्वायर और इस ए स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो गया जब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वारेटिक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ए की जगह आ रहा है वन प्लस एम स्क्वायर बी की जगह आपके पास टू एम सी और सी की वैल्यू आपके पास आती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट विल इक्वल्स टू जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर इस इज इक्वल्स टू जीरो हमने वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया यहाँ से फोर को अंदर मल्टीप्लाई किया फोर इन टू वन इज फोर और फोर को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ये आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया इक्वल्स टू जीरो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों टर्म्स को इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई है चार टर्म्स ठीक है फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाहर चूंकि नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे ठीक है फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहां से और ये इसको हमने सिर्फ अरेंज करके लिखा है फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर और ये जो टर्म है फोर माइनस फोर सी स्क्वायर इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया ठीक है फोर सी स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय फोर वी विल गेट एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यहाँ हम इसको यून लिख सकते हैं दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें और आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर रूट ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन आपने खुद सॉल्व करना है बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको कहा आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल इस इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो करें जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया था और एंड पर आपने ये सिचुएशन जो है वो प्रूव भी कर दी तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी टाइप की एक इक्वेशन आ जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल देन इज इक्वल्स टू जीरो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री ये भी बिल्कुल इसी तरह से है एंड पर आपके पास इस तरह की जो है वो कंडीशन आ जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। शो दैट द द रूट्स ऑफ़ फॉलोइंग आर हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं कैसे करेंगे ए की वैल्यू मेरे पास यहां पर मैंने चूंकि मेरे पास Uh, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी ए बी और सी यूज़ किए हुए हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ए बी और सी यूज़ करते हैं सो so, उसको थोड़ा सा डिफ़र करने के लिए हमने यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम यूज़ कर लिया ठीक है सो ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस सी बी प्राइम इज इक्वल्स टू बी इंटू सी माइनस ए एंड सी प्राइम ए सी इंटू ए माइनस बी ठीक है डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा बी प्राइम का स्क्वायर माइनस फोर ए प्राइम सी प्राइम ठीक है इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यूज हमने यहां पर इस स्टेप में हमने वैल्यूज पुट की बी स्क्वायर हो गया सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए बी माइनस ए सी इंटू ए सी माइनस बी सी बी स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर में मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वो फॉर्मूला ओपन किया माइनस फोर और इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये चार टर्म्स आ गई हैं, ठीक है नेक्स्ट में हमने यहाँ पर बी स्क्र को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस और फोर को माइनस फोर को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करके लिखा है जो कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में है वो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी इसमें मैंने सिर्फ टर्म्स को अरेंज करके लिखा है ठीक है यानी पहले मेरे पास जो कंप्लीट, मेरे पास तमाम स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं तीन टर्म्स वो मैंने लिखी हैं फिर उसके बाद मैंने इन टर्म्स को लिखा है अगर हम एक फार्मूला है जो हम लोगों ने यूज़ किया पहले भी पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स स्क्स टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी एज इक्व ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्तर अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की जगह ए बी का स्क्वायर है बी स्क्र की जगह बी सी का होल स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर की जगह मेरे पास माइनस टू सी ए माइनस टू ए सी या सी ए का स्क्वायर जो कि मेरे पास फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आता है प्लस टू ए बी की जगह मेरे पास क्या आएगा ए की जगह मेरे पास यहाँ से आ रहा है ए बी और बी की जगह मेरे पास आ जाएगा बी सी प्लस टू बी की जगह मेरे पास आएगा बी सी और सी की जगह मेरे पास आएगा माइनस टू ए सी क्योंकि यहां पर मेरे पास सी की जगह जो है वो टर्म जो यूज हुई है वो यूज हुई है माइनस टू ए सी ठीक है प्लस टू आ, प्लस टू सी की जगह हमारे पास यूज सी ए है तो सी की जगह हमारे पास यूज हुआ है माइनस टू ए सी और ए की जगह हम लोगों ने ए बी यूज किया ठीक है अगर ये फार्मूले के मुताबिक मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो फिर मेरे पास ये एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ठीक है क्योंकि a की जगह पे कंप्लीट है ए बी तो मैंने ए बी लिखा b की जगह पे है बी सी तो मैंने उसकी जगह बी सी लिखा और c की जगह है माइनस टू ए सी तो हमने यहां पर माइनस टू ए सी पुट करके होल स्क्वायर कर दिया ठीक है एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है एंड दिस इज क्योंकि ये ए बी और सी की वैल्यूज पे डिपेंड करने के बाद हमारे पास आता है, और ये ग्रेटर देन जीरो नजर आ रहा है the इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एट का वो बिल्कुल इसी की तरह आपने करना है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है for all values of k prove that the roots of the equation x square minus two into k plus one over k into x plus four equals to zero are real ठीक है, in k is not equals to 0 उन्होंने कंडीशन दी हुई है again क्योंकि यहां पर k मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए इस इक्वेशन uh, में से a की वैल्यू है मेरे पास 1 b की वैल्यू -2 into k plus 1 over k और c की वैल्यू आ रही है 4 ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की जगह हमने जब इसका स्क्वायर लिया बी स्क्वायर में जगह वन है और सी की जगह फोर ठीक है नेक्स्ट में हमने के प्लस वन ओवर के में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी उसको यूज करते हुए हमने के स्क्वायर प्लस वन ओवर के स्क्वायर प्लस टू और ए बी में चूंकि के इंटू वन ओवर के वो कैंसिल हो जाते सिर्फ टू रह जाता है माइनस सिक्सटीन फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों टर्म्स के साथ मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा प्लस एट माइनस सिक्सटीन माइनस एट यहाँ से हम फोर कॉमन ले लेंगे स्क्वायर माइनस टू ये मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है के माइनस वन ओवर के होल स्क् और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ टू इंटू क्योंकि फोर टू का स्क्वायर होता है सो टू इंटू के माइनस वन ओवर के होल स्क्वायर सो so, ये डिस्क्रिमिनेंट बी मेरे पास क्या है ग्रेटर देन एंड दिस कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर परफेक्ट ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर है देअर फॉर रूट्स आर रियल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर टेन शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो आर रियल इसमें भी हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नाइन की तरह करेंगे आपके पास ए की वैल्यू आ रही है बी माइनस सी आप चाहे तो आप इस, इसको भी बी ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम से कर सकते हैं बी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए एंड द वैल्यू ऑफ सी एज ए माइनस बी डिस्क्रिमिनेट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर यह हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू चूंकि बी माइनस सी है वो पुट कर दी और सी की जगह ए माइनस बी c माइनस ए होल स्क्वायर हमने ओपन किया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस फोर इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स आ रही हैं चार टर्म्स मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस फोर को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया और मेरे पास एंड पे यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नाइन की तरह मैंने यहाँ पर अरेंज किया जो मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म है उनको मैंने स्टार्ट में लिख दिया जैसे ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी एंड प्लस टू ए सी वंस अगेन हम इसे इस, उसी फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे जो पीछे हमने यूज किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायेयर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को ये जो फॉर्मूला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक ही आ रहा है ए स्क्वायर की जगह मेरे पास ए का स्क्वायर है बी स्क्र की जगह माइनस टू बी होल स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह मेरे पास सी स्क्वायर है प्लस टू ए की जगह हमारे पास ए ही आ रहा है बी की जगह माइनस टू बी आ रहा है प्लस टू बी की जगह माइनस टू बी अब देखिए माइनस टू बी क्यों क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही चीज आनी चाहिए सो टू इंटू माइनस टू दिस विल बी माइनस फोर माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए बी तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है plus two, B की again minus B, C की जगह जगह आ गया। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस टू माइनस टू टू इंटू माइनस टू माइनस फोर ये देखिए यहां पर आपके पास माइनस फोर था माइनस फोर इंटू बी सी ठीक है प्लस टू ए की जगह ए ही है और सी की जगह सी है सो प्लस टू ए सी टू ए सी ठीक है तो हम इसको फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास ए माइनस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर वंस अगेन द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रियल एक्सरसाइज टू पॉइंट वन फिनिश्ड थैंक यू